रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। वेलकम टू नैर अल्टीमेट। आज से एक साल पहले का वीडियो शायद अब सभी को याद होगा। रोना उसकी किस्मत थी, मुस्कुराना उसकी फितरत। ऐसी ही कहानी है रजत सांब्याल की, जो यूपीएससी के लास्ट अटेम्प्ट में मात्र 11 अंकों से चूक गए। वो भी आए थे उम्मीदों की जगह दिल्ली के राजेंद्र नगर में। आंखों में सपना, दिल में आसमान छूने की आस, देश पर मर मिटने का सपना लेकर, चाहे वो इम्तिहान में मुकम्मल ना हो पाए। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। लास्ट लाइन थी उसमें कि एंड स्टिल आई राइज, तो वो लाइन एक पोएम थी माया अंजलि की, उधर से ली गई थी। एंड वो यही लाइन थी कि हमें ज़िंदगी में चाहे जितना मर्जी हम लो हो जाएं, हमें उम्मीद रखनी है, हमें अपने आप पे विश्वास रखना है, एंड राइज होएंगे हम किसी ना किसी तरीके से। बिल्कुल, पिछले साल मैंने यूपीएससी के 6 अटेम्प्ट्स मेरे कंप्लीट हो गए थे, उसमें लास्ट में मैं इंटरव्यू में 11 नंबर से मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी। और मैं आया था आपके यहाँ और वीडियो बनाया था सर। बिल्कुल बिल्कुल, एक ट्वीट वायरल हो गया था एंड उसके बाद आपने कवर किया, बड़े और प्लेटफॉर्म्स पे भी मैं कवर हुआ बहुत। बिल्कुल, पिछली बार मैंने पीडीएफ ओपन करी थी, मम्मी साथ बैठे थे, बट इस बार ये हुआ कि वही होता है, बदलाव चीज़ों में चेंज आता ही आता है। इस बार मेरा उसी दिन इंटरव्यू था, तो 22 अगस्त की बात है, उस दिन मैंने 2 बजे इंटरव्यू दे के वहाँ से वापस आया, श्रीनगर में था, होटल में रुके हुए थे, मैं और मेरे पापा गए थे। तो शाम को स्पेकुलेशन थी कि शायद से रिज़ल्ट आ जाएगा, 6-7 बजे के अराउंड का दौरान था, तो हमारे उधर का रिज़ल्ट ऐसा है, नाम के साथ आता है पीडीएफ। एस्पिरेंट्स जो कनेक्टेड है, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा, अपने आप पे विश्वास रखिए। अगर आपको लग रहा है तैयारी अभी आप कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, सिलेक्ट हो सकते हैं, तो ज़रूर तैयारी करिए। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे से अब ये चीज़ें नहीं हो रही, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, तो अपना प्लान बी की तरफ जाइए, उसको अच्छी तरीके से करिए और इसको एक पॉजिटिव जर्नी की तरह लीजिए, जो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में काम आएगी, ज़रूर काम आएगी। एंड इसको कभी भी नेगेटिव फेज़ मतलब कि लाइफ का नहीं देखना, हर एक ज़िंदगी में हर एक की एक डिफरेंट जर्नी होती है, डिफरेंट पाथ होता है, बट हमें अपने आप पर विश्वास रखना है एंड हर एक। वेलकम टू अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज से एक साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि 10 साल की मेहनत राख नहीं बन पाया आईएएस। वो वीडियो था रजत सांब्याल सर का। आज सर का सिलेक्शन जम्मू कश्मीर पीसीएस में रैंक 64 के साथ हो चुका है। शायद डीएसपी का पोस्ट मिल जानी चाहिए इस रैंक पे। और मैंने उस वीडियो में कहा था कि कहीं ना कहीं आखिरी उम्मीद अभी भी बची हुई है। तो बताइए सर, आप कि जर्नी कैसा रहा एक साल का? बिल्कुल, पिछले साल मैंने यूपीएससी के 6 अटेम्प्ट्स मेरे कंप्लीट हो गए थे, उसमें लास्ट में मैं इंटरव्यू में 11 नंबर से मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी। और मैं आया था आपके यहाँ और वीडियो बनाया था सर। बिल्कुल बिल्कुल, एक ट्वीट वायरल हो गया था एंड उसके बाद आपने कवर किया, बड़े और प्लेटफॉर्म्स पे भी मैं कवर हुआ बहुत। उसमें लोगों ने सहानुभूति भी दी, शक्ति भी दी और दुआएं भी दी। उन्हीं दुआ तो आप देख ही रहे होंगे चैनल पर किस हिसाब से आ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं दुआओं की वजह से मैंने अच्छी तरीके से आगे मेहनत करी, सोचा एक बार स्टेट सर्विस को देते हैं, सबने बोला कि स्टेट सर्विस को ट्राई करिए, जम्मू कश्मीर मेरी अपनी स्टेट है, तो मैंने वहाँ से ट्राई करा एंड इस बार मेरा 64 रैंक आ गया। जो पिछली कमियां थी उनको ट्राई किया कि उन कमियों को इस बार दूर करा जाए एंड उसी के बदौलत ये रैंक प्राप्त हुआ एंड अब आगे सर्व करने को देख रहे हैं जी। जैसा कि पिछली बार आपका वीडियो मैंने बनाया था, तो आपने कहा था पीडीएफ के बारे में जो कहानी बताई थी, कई लोगों ने सुना था जो वीडियो में, इस बार क्या हुआ, पीडीएफ कैसे देखा आपने? बिल्कुल, पिछली बार मैंने पीडीएफ ओपन करी थी, मम्मी साथ बैठे थे, बट इस बार ये हुआ कि वही होता है, बदलाव चीज़ों में चेंज आता ही आता है। इस बार मेरा उसी दिन इंटरव्यू था, तो 22 अगस्त की बात है, उस दिन मैंने 2 बजे इंटरव्यू दे के वहाँ से वापस आया, श्रीनगर में था, होटल में रुके हुए थे, मैं और मेरे पापा गए थे। तो शाम को स्पेकुलेशन थी कि शायद से रिज़ल्ट आ जाएगा, 6-7 बजे के अराउंड का दौरान था, तो हमारे उधर का रिज़ल्ट ऐसा है, नाम के साथ आता है पीडीएफ, तो मुझे पता था कोई ना कोई नाम देख ही लेगा, तो वैसे ही हुआ। मैं अभी बालकनी में खड़ा था तो मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि आपकी मुबारक है, आपकी सिलेक्शन होगी। मैंने उन्हीं से पूछा कि कितना रैंक आया, उन्होंने कहा 64 रैंक आया। मैंने कहा चलो अच्छा है। फिर मैंने अपने पापा को सुनाया, मम्मी को कॉल करके सुनाया, और भी जो रिलेटिव्स हैं, बहन है, रिश्तेदार हैं, उन सबको बताया, दोस्तों के फ़ोन आने शुरू हो गए, बहुत फ़ोन आए। नेक्स्ट 2-3 दिन सब ने बोला कि आपकी परिश्रम करा आपने एंड उसी का आपको ये एक सफलता मिली है एंड उसी का रिजल्ट मिला। तो मेरा यही मानना था तब भी आज भी कि चाहे आपका लो टाइम है या हाई टाइम है, दोनों टाइम पे आपको अपने आप को बैक करना पड़ता है, अपने आप पे सेल्फ बिलीफ रखना पड़ता है, तो तभी आप ग्रो कर पाते हैं। जैसे एक कहानी है कि
सबने देखा ही है कि विराट कोहली का भी लो टाइम आया था, 3 साल सेंचुरी नहीं बनी थी, तो उन्होंने अपने आप को बैक करा, उन्होंने अपनी हेल्थ इंप्रूव करी, मेंटल फिटनेस इंप्रूव करी, गेम में टेक्निक में चेंजेस लाए, तो उसी तरीके से उन्होंने इंप्रूवमेंट ला के अपना आज वो सेंचुरीज कर रहे हैं, हमारा वर्ल्ड कप चल रहा है एंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वैसे इंसान का जब लो फेज होता है तो उसको अपने आप को बैक करके, अपने चीज़ों को, कमियों को दूर करके ही आगे बढ़ सकता है, वो अच्छा कर सकता है। जी सर, IAS के एग्ज़ाम में देखा जाता है जैसे रिजल्ट आता है तो कई लोग सफल होते हैं, कई सपने टूटते भी है, तो जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता उन लोगों के लिए आप बताइए कि क्या करना चाहिए, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट जिसका प्रीलिम्स नहीं होता है उन्हें तैयारी जारी रखना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, प्लान बी करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, एक चीज़ मानना है कि 2 से 3 साल अगर आप दे भी रहे हैं प्रोसेस में बिना कोई काम करे, बिना कोई प्लान बी के, तो चलो ठीक है, आपने एक अच्छी जॉब है, अच्छी सर्विस है, जो काम करने का मौका मिलता है, सब एस्पायर करते हैं हमारी कंट्री में। आपने कहा था कि एक तरह से जॉब है। हाँ, एक तरफ से जॉब ही है। हाँ जी, वो तो है ही, तभी पर अच्छी जॉब है, तो इसलिए 2 साल चलो आपने दे दिया, आपने प्रिपेयर करा, प्रीलिम मेंस आप जा रहे हैं, बट ऐसा है कि अगर आपके 2-3 साल से प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहे बिल्कुल भी, और आपको इम्प्रूवमेंट ही नहीं दिख रही, इम्प्रूवमेंट दिखना बड़ा ज़रूरी है कि किस तरीके से मैं इम्प्रूव करूँ, एंड सेकेंडली अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे मेंस भी प्रिपेयर नहीं है, ठीक है, और आप सिर्फ प्रीलिम्स ही दिए जा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूरा स्टेज ही आपको क्लियर करनी पड़ेगी। मेरा यही मानना है कि अगर किसी से 2 साल से बाद नहीं हो रहा तो उसको अपना प्लान भी रखना चाहिए, एक प्लान भी प्रिपेयर करके रखना चाहिए, चाहे वो डिग्री करे कोई और, चाहे वो बाहर जाए, जो भी उसका लगे वो चीज़ उसको करनी चाहिए। पिछली बार आपका रिजल्ट आया था तो एक ट्वीट बहुत ज़्यादा आपका वायरल हुआ था, उसी के थ्रू मैं आपके पास आया था, तो इस बार रिजल्ट के बाद आपने क्या किया? पिछली बार तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, आपने एक ट्वीट कर दिया, इस बार क्या किया आपने, और पिछला ट्वीट का भी बताइए सर आप। बिल्कुल, जैसे लास्ट टाइम था जब मैंने इंटरव्यू दे के आया था तो रिजल्ट आने वाला था, उससे पहले एक ट्वीट बनाया हुआ था रिलेटेड टू माई जर्नी, ताकि क्योंकि हम सब एक UPSC एस्पिरेंट्स एक हिडन तैयारी करते हैं, एक अपने जोन में तैयारी करते हैं, तो मुझे लगा ये एक्सप्रेस करने का एक तरीका है ट्विटर पे, एंड जो अब एक्स प्लेटफॉर्म हो गया हुआ है, तो उस पर मैंने ट्वीट बनाया था एंड वो वायरल हो गया था। उसमें लिखा था 10 ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंडेड इन एशेज, एंड UPSC की जर्नी बताई थी कि 6 अटेम्प्ट्स दिए, 3 बार मेरा प्रीलिम नहीं हुआ, 2 बार मैंने मेंस आउट हो गया, 1 बार मैंने इंटरव्यू दिया और 11 नंबर से नहीं हुआ, और लास्ट लाइन थी उसमें कि एंड स्टिल आई राइज। तो वो लाइन एक पोएम थी मायांजलि की, उधर से ली गई थी, एंड वो यही लाइन थी कि हमें ज़िंदगी में चाहे जितना मर्ज़ी हम लो हो जाएं, हमें उम्मीद रखनी है, हमें अपने आप पे विश्वास रखना है, एंड राइज होएंगे हम किसी ना किसी तरीके से। तो इस साल भी मैंने एक ट्वीट बनाया, बट डिफरेंट ट्वीट था, एंड इट वाज रिलेटेड टू उसी दौरान चंद्रयान लॉन्च किया था इंडिया ने, तो मैंने यही उसमें लिखा कि शूट फॉर लैंडिंग ऑन द चंद्रयान, ठीक है, अगर आप असफल भी होते हैं तो आप ऑर्बिट्स में प्लेस हो जाते हैं, ठीक है, जैसे आप इंटरव्यू में नहीं भी पास हुए तो आप ऑर्बिट में प्लेस हो गए, उसके अराउंड प्लेस हो चुके हैं, और उसके बाद आप ये करिए, जैसे चंद्रयान में उन्होंने इंप्रूवमेंट करी, जो वीकनेसेस थी उनको उन्होंने इंप्रूव करा, एनर्जी ज़्यादा करी, उसमें फ्यूल ज़्यादा रखा, तो लॉन्च हुए एंड वो लैंडिंग उसकी सेफ हुई एंड बहुत खुशी का माहौल था पूरे देश में। तो वैसे ही अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी मिस्टेक्स फाइंड करिए, उन मिस्टेक्स को प्लग करिए, ज़्यादा एनर्जी से एग्ज़ाम दीजिए, ज़्यादा एनर्जी से पढ़िए, ज़्यादा ऑप्टिमिज्म से इस बार पढ़िए और पेपर को क्लियर करिए। तो उसी से रिलेटेड ट्वीट करा था मैंने अपने ट्विटर पर। आपकी वीडियो मेरे चैनल सबसे ज़्यादा व्यूज आए पिछली बार, और कई लोग कमेंट कर रहे थे व्यूज में पॉजिटिव, आपके जो 10 साल की मेहनत राख पे सर, तो उस पर उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों ने कमेंट किया सर आपके लिए? बिल्कुल, बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट करा, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट देखते होंगे, बिल्कुल मैंने कमेंट्स देखे, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट करा, उन्होंने बहुत मुझे एनर्जी प्रोवाइड करी, उन्होंने मुझे एडवाइसेस भी दी और कुछ तरीके भी बताए कि आप स्टेट सर्विसेज में ट्राई करिए, जिसमें मैंने ट्राई करके ये रैंक क्लियर करा, उन्होंने ये भी बोला कि आप किसी को आप मेंटरशिप करिए, तो मैंने एक फ्री NGO थी उसमें फ्री वे में मैंने थोड़ी देर स्टूडेंट्स को थोड़ा गाइड करा, और मैंने अपने भी कुछ प्लेटफॉर्म है, चाहे ट्विटर स्पेस हो गया या कोई और प्लेटफॉर्म हो गया, उसमें मैंने ट्राई करा कि मैं लोगों को बता सकूं कि एंथ्रोपोलॉजी में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ठीक है, मेरा ऑप्शनल था, GS में क्या करें, ठीक है, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें, तो कुछ वीडियोस मैंने अपने भी पुट अप करी थी, एंड कुछ जैसे आप प्लेटफॉर्म है आपके थ्रू भी मैं लोगों को बता ही देता हूँ कि क्या चीज़ें क्या करनी है क्या नहीं करनी है। जैसे अब ऑप्शनल से रिलेटेड है तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, बट उसके बाद आपको आंसर राइटिंग पे भी फोकस करना पड़ेगा एंड फुल टेस्ट लिखने पड़ेंगे, पूरे पूरे टेस्ट। वैसे जैसे प्रिलिम्स हैं उसमें कुछ बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, फिर आप लगाइए शंकर IAS, फिर आप लगाइए मृणाल सर के इकोनॉमी के नोट्स, यही स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, इन पे ज़्यादा फोकस करना होता है, करंट पे थोड़ा सा आप ज़्यादा एम्फेसिस भी नहीं करना है क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बट इसके बाद एक चीज़ आती है कि आप मॉक टेस्ट पे ज़्यादा एम्फेसिस मत करिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा एम्फेसिस करिए। मॉक टेस्ट तो मॉक
उन्होंने बनाए हैं, बट वो ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी के अलाइंड भी हों। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है, जिस पेपर को आप देने जा रहे हैं वहाँ पे वो आपसे क्या क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या क्वेश्चंस डाल रहे हैं। तो वो चीज़ एक हर एक एस्पिरेंट को करने की ज़रूरत है जी। बाकी सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम दिया और आपको शुभकामनाएँ हैं। बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद। एंड एस्पिरेंट्स जो कनेक्टेड है, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा, अपने आप पे विश्वास रखिए। अगर आपको लग रहा है तैयारी अभी आप कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, सिलेक्ट हो सकते हैं, तो ज़रूर तैयारी करिए। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे से अब ये चीज़ें नहीं हो रही, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, तो अपना प्लान बी की तरफ जाइए, उसको अच्छी तरीके से करिए और इसको एक पॉजिटिव जर्नी की तरह लीजिए, जो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में काम आएगी, ज़रूर काम आएगी। एंड इसको कभी भी नेगेटिव फेज मतलब कि लाइफ का नहीं देखना। हर एक ज़िंदगी में हर एक की एक डिफरेंट जर्नी होती है, डिफरेंट पाथ होता है, बट हमें अपने आप पर विश्वास रखना है एंड हर एक चीज़ को पॉजिटिवली ही लेना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू।